BMH लर्निंग पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे गर्भावस्था के दौरान किन फलों से परहेज करें। हालांकि फल ज्यादातर स्वस्थ होते हैं, लेकिन कुछ फल गर्भवती महिलाओं के लिए अनुकूल नहीं होते हैं। यदि इनका सेवन करते समय सावधानी नहीं बरती जाती है तो वे योनि से रक्तस्राव और सबसे खराब स्थिति में गर्भपात भी कर सकते हैं। यहां आप जानेंगे कि गर्भावस्था के दौरान किन फलों से परहेज करना चाहिए। पहला है पपीता। पपीता स्पष्ट कारणों से सूची में सबसे ऊपर है। पपीता आपके शरीर के तापमान को बढ़ा सकता है, जो कि गर्भावस्था के दौरान अच्छा बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा यह फल लेटेक्स से भरपूर होता है, जिससे कि गर्भाशय में हो सकता है संकुचन, रक्तस्राव और गर्भपात भी। दूसरा है अनानास। गर्भावस्था में नहीं खाने वाले फलों की सूची में अनानास भी उच्च स्थान पर है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अनानास खाने से गर्भाशय में तेज संकुचन हो सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप गर्भपात हो सकता है। दरअसल अनानास में ब्रोमेलन नामक एक एंजाइम होता है, जो कि प्रोटीन को तोड़ता है। यह गर्भाशय ग्रीवा को नरम कर सकता है और इसके परिणाम स्वरूप शुरुआती श्रम हो सकता है। तीसरा है खजूर। गर्भवती महिलाओं को अक्सर खजूर के सेवन से बचने की सलाह दी जाती है। एक मुख्य कारण यह है कि वे शरीर को गर्म करने का कारण बन सकते हैं। चौथा फल है केले। हालांकि गर्भावस्था के दौरान केला खाना सुरक्षित माना जाता है, लेकिन दो मामलों में बचना चाहिए। पहला है, केले में काइटिनेज होता है, जो एक ज्ञात एलर्जन है। इसलिए जिन महिलाओं को काइटिनेज से एलर्जी है, उन्हें केले का सेवन नहीं करना चाहिए। दूसरा कारण है, केले में शुगर की भी अच्छी मात्रा होती है, इसलिए डायबिटिक लोगों को हर कीमत पर केला खाने से बचना चाहिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।